वंस अगेन एक नई वीडियो, एक नया दिन और होप ऑल इज वेल। आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो कल वाली वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अभी उठ गए हैं और चल रहा है अभी ब्रेकफास्ट। तो अभी आपका बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आज झंडा नीचे क्यों करा हुआ है, समझ नहीं आ रही। नहीं ऊपर ही है। तो बढ़िया से धूप निकली हुई है। कल शाम को तो जब आ रहे थे तो जब कल शाम को आए तो आंधी तूफान चालू हो गया था। मुझे लगा कि बारिश वारिश अच्छी सी आएगी, लेकिन बारिश कुछ खास नहीं पड़ी और बच गए, भीगे भी नहीं। बस थोड़ा बहुत आंधी तूफान हुई थी, उसके बाद फिर हम चले थे वॉक करने के लिए। वो मैंने आपको बताया भी था, आपने देखा भी होगा वीडियो में। और क्या कहते हैं कि अपना चले गए थे वॉक करने। वॉक करने के बाद रोटी वोटी खा के फिर एक चक्कर और रेडी लगाई थी, घूम फिर के आए। बाकी आपको हमारा सर वगैरह, बारिश आने वाली है, बारिश वैसे वाकई में आने वाली है। पूरे बादल काले हो रहे हैं। अभी हमने पूजा कर ली मंदिर में और देखो पूरा मौसम बिल्कुल बारिश का हो रहा है। मंदिर में नया शेड लगा है यहाँ पे, फिर बाहर मतलब पब्लिक को सजा दूँ, जो आएंगे धूप से बचेंगे, बारिश से ही बचेंगे। जय बोले जी। मंदिर से निकलते ही बारिश हो गई चालू, देख रहे हैं आप। तो मौसम हो गया बिल्कुल मस्त दोबारा से। कल शाम को भी जब निकला था ट्रांसपोर्ट से, तो ट्रांसपोर्ट जब निकले थे तब भी बारिश आ गई थी, तभी बारिश आ गई थी। और बारिश नहीं आई थी मतलब आंधी तूफान आ रहा था। और अभी देख लो आप, बारिश का मौसम हो गया पूरा। अभी जाना है हमने कटिंग कराने आएंगे दोबारा से, फिर बाकी देखते हैं। ठीक है, आ गए बैंक में, चेक डालने गए थे, चेक डाल के आया। अभी चेक उसमें आउटबॉक्स में डाल दिया था, बट उसमें होंगे ना, वहाँ पे अंदर नहीं है कोई भी, नहीं है ना। अब इनको चेक वाले नहीं मिला, चेक वापस लेके आ गए। देखो हमारे यहाँ सभी प्रकार के इधर फोर के जाएंगे हम और करेंगे आज शाम को पार्टी बढ़िया सी मस्त, क्योंकि मौसम हो रहा है बढ़िया और आज रामनवमी भी है। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से नवरात्रि खत्म हो चुके हैं तो पार्टी तो बनती है। और बाकी तुम बताओ, तुमने करनी है पार्टी तो तुम भी आ जाना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। तो हम तो बनाएंगे कुछ ना कुछ प्रोग्राम अभी, मौसम बढ़िया से होता हुआ देखते हैं कुछ। पूरी लाइटें जल गई, देख रहे हो तुम, सब शोरूम की लाइटें भी जल गई दिन में और अंधेरा सा होता हुआ। सामने इधर अंधेरा हो रहा है और इधर रोशनी हो रही है, बादल पूरे बने हुए हैं। मौसम हो गया बढ़िया मौसम, कल वाला मौसम। अभी 5:30 बजे हैं और देख रहे हैं आंधी तूफान चल रही है बढ़िया से। इधर से भी काले बादल हो गए हैं, सारी आंधी आंधी तूफान हो गया बिल्कुल। कल वाला मौसम हो गया बढ़िया सा, अभी करते हैं एंजॉय, जाते हैं निकलते हैं घर की तरफ। भाई साहब क्या तूफान आया, कहाँ देख रहे हो, कहाँ तक कागज उड़ रहा है, दूर में टूट गई। छोटा टर्नेटो आ गया है हमारे गाजियाबाद में, देखो कितने ऊंचे ऊंचे कूड़ा कबाड़ा उड़ रहा है सड़क पे। देखो देखो कैसे जा रहा है उड़ उड़ के, देखो भाई साहब इस साइकिल वाला देखो कैसे भागता जा रहा है, उसके साथ साथ उड़ गया साइकिल वाला। काफी बढ़िया सा तूफान आ गया है और ये पेड़ लगा था, वो देखो अब बारिश भी चालू हो गई है। बारिश ने फिर से मौसम कर दिया ठंडा, आज बॉक्स से चलती हो गई है। प्रथम भैया अभी कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट और हम उठ गए जल्दी। और रात वाला ब्लॉग हमने अभी एडिट नहीं किया था तो इसलिए अभी उसे एंड भी नहीं किया था, तो अभी उसे एंड करते हैं। अभी है नेक्स्ट डे, तो गुड मॉर्निंग है आप सब लोगों को। तो इसी ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा कहीं जाने का प्रोग्राम है तो वो भी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। और जब तक आप ये वीडियो देखें और इन्जॉय करें। बाकी अभी मिलते हैं, बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये कुछ बाहर का व्यू ऐसा बढ़िया सा, कल रात को तो बारिश हो गई थी, अब बादल बिल्कुल सही हो गया।
तो अभी निकल रहे हैं हम अपने काम के लिए, काम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम रोज गाय को डालते थे अपना खाना या कुछ भी, तो वहाँ पे नगर निगम वाले आ गए हैं कि यहाँ से हटाओ गाय, हम लोड करके ले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे लोडिंग गाड़ी आ गई है, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, तो काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई है। कहना यहाँ से गाय हटाएगी, हटी जाएगी, क्योंकि एक घंटे का टाइम लेकर के नहीं चले गए हैं, कह रहे एक घंटे बाद में आएंगे, एक घंटे में आप खाली कर दो नहीं तो हम उठा कर ले जाएंगे। तो भैया ये तो चलता रहेगा, नगर निगम का है हिसाब किताब, अगर वहाँ से परमिशन नहीं ली है तो करवाना ही पड़ेगा। बाकी अब चल रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट की तरफ, देखते हैं दो चार काम कराने। और यहाँ पे चल रहा है हमारा ब्लॉग, हाँ से भैया के यहाँ पे। तो अभी जाते हैं बढ़िया से हेयरकट, निकलना अभी हमारी ट्रेन भी है, तो बाकी आपसे अपडेट करते हैं अभी। और ये लगे हुए हैं अभी ड्यूटी पे, ये कितनी देर लगेगी तो बता दो। हेलो, कितनी देर लगेगी बता दो। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। तो अभी करते हैं वेट थोड़ा सा और, ये कह रहे अभी एक मिनट हो मेरे, 10 मिनट लगा देंगे कम से कम। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट। नहीं पता है 1 मिनट कितना। नहीं 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 नहीं, सीट रेडी है। जब तक हम देख रहे हैं अपना ब्लॉग, नहीं हमारा नंबर लग गया हेड के लिए, अंकल का नंबर सामने आ रहा है। देखो फाइनली बड़े भाई साहब मुकेश जी का नंबर आ चुका है हेड के लिए। यहाँ चल रहा है अपना ब्लॉग, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे पुराने चाहने वाले भी हैं। हाँ जी, हेलो जी, हम मुकेश भाई, हमारे बड़े भाई साहब हैं, इन्हें और हमें दोनों को बहुत प्यार है, और हम इनको आपसे मिलेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट के बाद इनको थोड़ा सा इनका हेयर कट कर दें, हम इनको स्मार्ट बना दें। बाय बाय। तो अभी कराने जरा हेयर कट, मिलते हैं आपसे। उसमें पड़े रहते हैं और आप स्टोरेज में नहीं समझे, नहीं जैसे वॉलपेपर की तरह ऊपर नहीं आते। हाँ हाँ हाँ, बोलते रहे। अच्छा, वो देख लिया नोटिफिकेशन में, वो उसमें चेक करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप नोटिफिकेशन बिना भी ऐसे खोल के देख लिया करो। बढ़िया सा बन गया राजा बाबू, और अब निकल रहे हैं जल्दी से। अंकल को हमने स्मार्ट बना दिया है, इनको घूमने के लिए रेडी, अब ये जा सकते हैं। हमारी वीडियोस बहुत अच्छी और सी आएंगी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये भैया हमारे, इनके यहाँ पे विजिट करें और इनको सेवा का मौका दें। अभी यहाँ पे चल रहा हमारा ब्लॉग और हम जा रहे हैं, ये भैया देखता रहेगा। तो हेयर कट करा करके हम आ गए थे घर पे, और यहाँ हम पी रहे अभी चाय, और हमारा सामान हो गया पैक, हम निकल रहे हैं। आपको बता दें एट लास्ट हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो मैं तो सोचा था कि जब सीधा पहुँच जाएंगे तभी बताएंगे, तो लेकिन फिर भी मैंने आपको इस वाले वीडियो में बता दिया कि हम आज रात को ही निकल रहे हैं, हमारी ट्रेन है, और आपको भी दर्शन कराएंगे और वहाँ की वीडियो भी अपडेट देते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो तो 2-3 दिन लगेगी, अब आएगी यूट्यूब पे, आप इससे पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह मिल जाएंगी आपको रील्स, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में आईडी डाल दूंगा अपनी इंस्टाग्राम की। तो बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर देना। ये लाल वाले बटन को फिर एक बार दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 जिसने नहीं दबाया वो दबा दे, और आगे की वीडियो में आपको अपडेट देता हूँ। जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।